केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झारखंड में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जहां दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, थानेदार को गोली भी लग गई है। तो वही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से है, जहां गढ़वा में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की इस घटना में गढ़वा के रंका थानेदार घायल हो गए हैं। तो वही घायल थानेदार शंकर कुशवाहा को रांची लाया गया और रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड में गोलियां चली हैं, जिसमें नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना बताई जा रही है। मुठभेड़ में दो नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है, जिसकी बॉडी के लिए 3 थानों की पुलिस जंगल में अभियान चला रही है। नक्सलियों के कई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली दस्ता रंका में प्रवेश कर चुका है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस जब अभियान चलाई तो ढेगुरा के जंगल में नक्सलियों ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। इसी के बाद दोनों ओर से कई राउंड में गोलियां चली हैं। पुलिस को भारी आता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। तुम्हारी फिलहाल पुलिस बड़ी संख्या में जंगल में अभियान चलाए हुए है, ताकि नक्सलियों की बॉडी को बरामद किया जा सके। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने खुद मोर्चा संभाला और घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। एसपी ने घटना के बाद जिले के सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, तो वही गोली उनके छाती पर लगी थी। इसी के बाद वहां से रिटर्न होकर उनके बाई कलाई में आर पार हो गई। इससे कलाई की हड्डी टूट गई और लगातार रक्त स्राव होने लगा है। इस घटना के बाद थाना प्रभारी को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी में मौजूद सर्जन डॉक्टर अमित कुमार ने घायल शंकर प्रसाद कुशवाहा का इलाज किया है। सदर अस्पताल में उन्हें 1 यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया है। इसी के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। तो वही इधर इस घटना के बाद जिले में नक्सलियों की मौजूदगी की बात भी कही जा रही है। हालांकि पुलिस के साथ मुठभेड़ में 8 से 10 की संख्या में नक्सलियों के होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने भी 2 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। इस घटना के बाद से ही पुलिस टीम उस क्षेत्र में लगातार गश्त लगा रही है और छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी आधारिक पुष्टि नहीं की गई है कि मुठभेड़ की घटना में नक्सली ही थे या कोई अन्य आपराधिक गिरोह के लोग शामिल थे। कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह पहली बार है जब कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आम आवाम से मदद लेकर देश को बनाने के लिए यह काम किया है, जिसे डोनेट फॉर देश का नाम दिया गया है। अब चंदे के लिए जनता के पास पहुंची कांग्रेस, बताए उद्योगपतियों से चंदा लेने के नुकसान। डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान के लॉन्च पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से चंदा लिया था। कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग अभियान लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह पहली बार है जब कांग्रेस लोगों से देश के लिए चंदा मांग रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है, जहां कांग्रेस पार्टी ने देश के आवाम से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये काम किया है, जिसे डोनेट फॉर देश नाम दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि छोटे छोटे डोनेशन से हम देश को बना सकते हैं। सिर्फ अमीरों के ऊपर भरोसा करके काम करते जाएंगे तो उनके कार्यक्रम और पॉलिसी को मानना पड़ेगा। जब डोनेशन में सभी शामिल होंगे तो पॉलिसी भी सभी के लिए होंगी, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए मददगार होगा। बहुत से लोग इसके लिए डोनेट करेंगे। हम लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि जो पार्टी गरीबों के साथ है। उन्होंने कहा है, अगर आप सिर्फ अमीरों पर निर्भर होकर काम करते हैं, उनकी नीतियों पर चलना होता है। खड़गे के आवास पर अभियान की शुरुआत हुई है। इस दौरान कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। खड़गे ने खुद ऑनलाइन फंडिंग अभियान के लिए 1.38 लाख रुपए का दान दिया है। माकन ने कहा, हमारा उद्घाटन अभियान बेहतर भारत के लिए दान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 138 साल की यात्रा की याद दिलाता है। अपने इतिहास को अपनाते हुए हम समर्थकों को 138 रुपया या 1380 रुपये या फिर 13,800 रुपये या उससे अधिक के गुणकों में दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के लिए 2 चैनल बनाए गए हैं, एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल donatein.in से के माध्यम से और एक दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट www.inc.in के माध्यम से।
इससे पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस अभियान में 138, 1380 या 13,800 रुपए का दान दे सकता है। वेणुगोपाल ने कहा कि क्राउड फंडिंग अभियान महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक खराज फंड से प्रेरित है, जिसे 100 साल से भी अधिक पहले 1920 से 21 में लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य सामान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत के निर्माण में पार्टी को सशक्त बनाना है। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस 138 साल की यात्रा का जश्न मना रही है, इसलिए लोगों से 138 के गुणांक में चंदा देने की अपील की गई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।